रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम कोकनी थाली बना रहे हैं सिंगारा मच्छी की। ये सिंगारा मच्छी है, ये देखो ये ऐसी रहती मच्छी, इसका मुंडा ऐसा रहता है। दो धाके हमने लिए इसको, ये कोकम लगेगा, ये चार पांच टमाटर को काट के रखे हैं, ये नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ये कोकनी है और ये मच्छी मसाला। देखो ये एक टेबल स्पून जीरा है, थोड़ा सा मेथी दाना है, ये लहसुन है एक गट्टी, और एक टीस्पून हमने हल्दी लिए है, एक आधा टेबल स्पून हमने मिर्ची की पाउडर लिए है, ये खोपरा है और ये खोपरा का घुरादा है, और एक टेबल स्पून हमने धनिया लिए हैं, और ये इतनी मिर्ची लिए हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, ये सब पीसेंगे। और ये तड़के के लिए करी पत्ता लगेगा, ये लहसुन लगेगा, और ये देखो ये तीन बीज लहसुन के लिए, एक चुटकी हम मेथी दाना लिए, ये तड़के के लिए लगा। अभी हम इसका सालन बना के बता रहे हैं। सालन के साथ ये भिंडी खाते हैं। ये हमने भिंडी को धो के पोच के इसको ऐसे टुकड़ों में काटे, ये देखो ऐसा ही कोकनी लोग बनाते हैं। हम कोकनी है, ये देखो एक प्याज को लिए हैं चॉप करके, मतलब डेढ़ प्याज है, एक इतना प्याज है उसका आधा भी है, ऐसा डेढ़ प्याज है। ये हल्दी है, हल्दी है एक टीस्पून, और ये मिर्ची है, मिर्ची आप अपने हिसाब से लो, हरी मिर्ची है, स्वाद अनुसार नमक। ये हम भिंडी की तरकारी इसके साथ खाते, मच्छी के सालन के साथ, वो बता रहे। ये मच्छी के थाली की मच्छी तली हुई है, ये मच्छी हमने सिंगारा मच्छी लिए है, ये देखो ऐसे साफ करके उसको ऐसा धो के रखे हैं, विनीगर से नमक से धो के रखे हैं। नमक स्वाद अनुसार लगेगा, ये हल्दी एक टीस्पून लगेगा, एक टेबल स्पून भर के मिर्ची पाउडर है कश्मीरी मिर्ची पाउडर, और एक नींबू का रस है, बड़े नींबू का रस है, ये इसमें लगेगा। ये मच्छी फ्राई हो गई कोकनी तरीके से, ये कोकनी खिचड़ी है मेथी की। ये देखो हमने चावल धो के रखे हैं, ये मेथी दाना एक टेबल स्पून लिए हैं, इसकी जगह आप दाल ले सकते हैं, एक प्याली भर के, ये आधा किलो चावल है, उसमें मसूर की या मूंग की दाल ले सकते हैं, छिलटे वाली नहीं, बिना छिलटे वाली एक प्याली ले सकते हैं, ये आधा किलो। इसमें हमने पहले भी बताया खिचड़ी, ये मेथी दाना की खिचड़ी है, एक टेबल स्पून मेथी दाना, स्वाद अनुसार नमक, और एक बड़ा चम्मच भर के घी डाल के ये खिचड़ी बना देंगे, ये कोकनी थाली है। पहले हम मच्छी को, फ्राई मच्छी को मसाला लगा के रखेंगे, नींबू डाल दिए, हल्दी डाल दिए, मिर्ची पाउडर डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और मसाला लगा के मैरिनेट करने के लिए साइड में रखेंगे, और फिर सालन बनाने लेंगे मच्छी का। खिचड़ी बना रहे, अभी घी डालेंगे, दो टेबलस्पून घी है, मेथी दाना डाल दिए, अच्छा तड़कने देंगे, अभी इसमें चावल डालेंगे, चावल पहले से धो के रखे थे हमने, चावल को जरा मेथी दाना घी के साथ भूनेंगे, चावल भून के हो गए, अब पानी डालेंगे और नमक डालेंगे, आधा किलो चावल हमारे झूने चावल है, दो गिलास पानी डाल दिए, नमक स्वाद अनुसार डाल दिए, चम्मच मारेंगे, दूसरे गैस पे लेंगे, इसका पानी सूखने तक चावल को पकाएंगे। तेल लिए, अभी भिंडी बनाएंगे, ये देखो ये मिर्ची डालेंगे और प्याज डालेंगे, पाव किलो भिंडी है तो ये डेढ़ प्याज बराबर है, बड़ा प्याज है, छोटा प्याज है तो दो प्याज दे दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नरम होने तक पकाएंगे इसको, प्याज नरम हो गया अभी हल्दी डालेंगे, ये मच्छी के सालन के साथ भिंडी की तरकारी, मच्छी तली हुई एकदम फर्स्ट क्लास, और पापड़ तलने का अचार निकाल के खाने का। अभी पापड़ नहीं आ रहे, गांव के पापड़ खत्म हो गए, लिज्जत पापड़ नहीं आ रहे बाजार में, तो जो पापड़ है वो तल के दिखाएंगे, नॉर्मल वाले जो मिलते बाजार में चावल के मैदे के वो तल के बताएंगे,
कोकनी पापड़ नहीं है। अभी भिंडी डाल दी है, अभी उसको चम्मच चलाएंगे और बारीक गैस से इसको साइड में रखेंगे। खिचड़ी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ भिंडी रखेंगे और मच्छी फ्राई करेंगे। मच्छी फ्राई का तेल वो सालन में बनाने लेंगे। अगर तली हुई मच्छी का जो तेल होता है वो मच्छी के सालन में लेंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है मच्छी के सालन का। अब इसको कवर करेंगे और इसको 5 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पे, जब तक की भिंडी पक नहीं जाती तब तक पकाएंगे इसको, स्लो फ्लेम पे रखेंगे। सूख गया, अभी इसको बारीक गैस पे 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद बताएंगे। देखो गरम तेल एकदम करने का और मच्छी फ्राई करने की। गरम तेल में रहेगा ना तो क्या होता है मच्छी टूट जाती है, इसलिए गर्मा गर्म तेल में मच्छी फ्राई करनी थी। और हमारी मच्छी की थाली में ऐसा रहता है मच्छी बदलते रहती है, लॉकडाउन है दूसरी मच्छी नहीं मिल रही इसलिए सिंगारा मच्छी लाए। हाँ, और अभी गरम खाने का है इसलिए गरम मच्छी लाए। सिंगारा बहुत गरम रहती है, बांगरे की तरह गरम रहती है सिंगारा, इसलिए सिंगारा मच्छी लाए। अभी सिंगारा मच्छी बना रहे, जो थाली जैसी वही रहती है, खाली मच्छी बदलती रहती है, मच्छी का मसाला यही रहता है, मच्छी बदलते रहती है, तरकारी बदलते रहती है, ये हमारी थाली है रोज का खाना। आज भिंडी है तो कल घेवरी रहेगी उसके अंदर, घेवरी नहीं रहे घेवरी रहेगी तो उसके बाद दूसरी तरकारी रहेगी, ऐसी ये मच्छी फ्राई के अंदर मच्छी का सालन बनाने का और तरकारी बनाने की, पापड़ तलने का, अचार निकालने का, ये हमारी कोकनी लोग की मच्छी की थाली है। अब इसको 4 मिनट एक तरफ से, जब तक पक नहीं जाती तब तक इसको एक तरफ से पकाएंगे, फिर टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको जब तक नहीं पकती तब तक इसको पकाएंगे। मच्छी फ्राई करने रखे हैं, अभी भिंडी बता रहे, भिंडी को हो गई, भिंडी पक गई, अब इसको बंद करेंगे। देखो भिंडी पक गई, चम्मच मारेंगे ये देखो, और भिंडी का बंद करेंगे। मच्छी फ्राई बता रहे, मच्छी के तेल मच्छी फ्राई के तेल से ये बनाएंगे सालन बनाएंगे। तो अभी इसको पलटेंगे और मच्छी का सालन मतलब हल्दोनी, हल्दोनी का मसाला पीसेंगे। जब तक ये एक तरफ से होगी तब तक जो है मच्छी की, हाँ मच्छी के हल्दोनी का मसाला जो है वो पीस लेंगे। ये मच्छी का मसाला देखो बराबर से, ये अभी पीस के लाएंगे, खाली ये तड़का देने का है वो खाली रहेगा इसमें, बाकी सब ये पीस के लाएंगे। टमाटे भी साथ में लेंगे, टमाटे के साथ। देखो मच्छी फ्राई हो गई, अभी इसको निकालेंगे। बेटी की खिचड़ी तैयार है, अभी इसको बंद करेंगे। ये मच्छी फ्राई का तेल हो गया ना, वो तेल डालेंगे और मच्छी बनाएंगे, मच्छी का हल्दोनी बनाएंगे, हल्दोनी मतलब सालन। अभी हमने लहसुन को कूटे वो डाल दिए, अभी मेथी दाना डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। देखो करी पत्ता डाल दिए, अभी मसाला पीस के लाए ना वो डालेंगे, फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप कभी कोकनी थाली खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बना के खाएंगे तो कितना टेस्टी लगेगा। जिसने हमारे कोकनी लोग बाहर गए हैं ना वो बेचारे, उनका फैमिली बाहर नहीं है, वो खुद ऐसा मेरी थाली देख के पकाते हैं और मेरे को फोन करके बोलते हैं खाला इतना टेस्टी बनता है, खाला इतना टेस्टी बनती है थाली। इसका पानी डालेंगे, एक ग्लास के जितना पानी डाले हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अब इसको अच्छा पकाएंगे, 10 से 15 मिनट इसको अच्छा उबाल लेंगे। अभी उबाल लेंगे 15 मिनट ये हल्दोनी को पकाए, हल्दोनी मतलब सालन मच्छी का। अभी ये कोकम डालेंगे और मच्छी डालेंगे और 5 मिनट खाली पकाएंगे अभी। हाँ, मच्छी डालने के बाद में मच्छी जल्दी पक जाती है, मच्छी को टाइम नहीं लगता है।
आधा ढक्कन रखेंगे और पकाएंगे, पूरा ढक्कन नहीं रखेंगे। इसमें मच्छी भी है, मच्छी की मुंडी भी है। देखो मच्छी का हल्दोनी तैयार है, अभी इसमें कोथमीर डालेंगे। ऐसी तरी आने तक इसको पकाने का रहता है। हाँ देखो ऐसी तरी आना चाहिए और अच्छी खुशबू आ रही है। देखो ऐसा लगता है अभी खिचड़ी निकालू और फटाफट हल्दोनी निकाल के थाली बना के अभी खाऊं। इतना टेस्टी बना है, फर्स्ट क्लास। अभी डिश आउट करेंगे, अब पापड़ तलेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। थाली बनाए है, ये सिंगारा मच्छी का हल्दोनी है, ये पापड़ है, ये अचार है, रोटी है, ये भिंडी है, बगारी भिंडी तेल कांदे में, ये मच्छी फ्राई है और ये मेथी की खिचड़ी है। ये हमारे कोकनी लोग का खाना है, ऐसा ही बना के खाते। मच्छी अलग अलग होती है, यही मसाला रहता है, मच्छी अलग अलग होती है, तरकारी अलग अलग होती है। बाकी रोटी खिचड़ी, अगर दाल की खिचड़ी बनाए तो दाल डालने का, मेथी दाना हटा देने का, मूंग दाल या मसूर दाल, तुअर की दाल नहीं उसमें, ये मूंग या मसूर की दाल डालने की। ये ऐसा बनाते थाली और खाते। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज। अचार भी बनाए हमने, वो भी बताए। अचार भी देखो हमारा, हम अचार हर किस्म का अचार बनाए। एक कहरी का अचार है।